जख्मी बनने की कोशिश मत करो दिशा, अपनी हद में रहो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बाबा की अभी अभी मौत हुई है। मैं समझ सकता हूं कि तुम बहुत डिस्टर्ब्ड हो, इसीलिए मैं चुप हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी पेशेंस का नाजायज फायदा उठाओ। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि मैं दिवाली से नफरत करता हूं। आई हेट दिवाली, एंड फॉर गॉड सेक मेरा पीछा छोड़ दो। अच्छा हुआ तुमने मेरे बाबा की याद दिला दी। जब तक तुम बर्बाद नहीं हो जाते डीके, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे अपना घर और अपनों को छोड़ने पर मजबूर किया। मैं तुम्हें इतना मजबूर करूंगी कि तुम परेशान होकर अपने घर से दूर भागोगे। मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। कुछ नहीं यार, बैग। बैग? अच्छा, मेरी 200 की चाबी, ये लो खेलो। दिखाऊं? देखो। हाँ। तो ये सब मेरा हुआ माल। ये दिवाली तो तुम्हारे लिए बहुत लकी है। हाँ, इसी बात पे अपना मुंह मीठा करो। गोड़ गोड़ खाने, गोड़ गोड़ बोला। मेरी है ना? हाँ। कुछ तो शर्म करो सुकन्या, घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, अभी सुहास के आंसू भी नहीं सूखे। और तो क्या जाने वाले के साथ साथ हमारी खुशियां भी चली गई? अरे, हमें खुश रहने का हक ही नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन वक्त देखकर इंसान को खुशी मनाना चाहिए। अरे देवा, और कितने दिन हम शौक मनाएंगे? एक दिन, एक महीना, एक साल? बाबा, कभी ना कभी तो हमारी जिंदगी नॉर्मल होगी ना, तो फिर आज क्यों नहीं? लेकिन बाबा, सुकन्या ठीक कह रही है। आप आइए। अरे चलो चलो, कार्ड्स बांटो, पीटी डालो, चलो चलो जल्दी जल्दी। ये मेरा, मेरा और ये मेरा। अच्छा, अगली बाजी भी मैं ही जीतूंगी। बाबा बाबा, आप नाराज मत होइए। बाबा मेरी बात सुनिए प्लीज। नमस्ते आंटी। रानो, रानो जी, आप लोग बातें करो बेटा, मैं भी आई। क्या बात है रानो, आजुबा इस तरह? कुछ नहीं, वो काकी ने आजुबा से कुछ कह दिया, इसलिए आजुबा अपसेट है। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? दरअसल काकी अपनी सहेलियों के साथ कार्ड्स खेल रही थी, आजुबा ने उन्हें मना किया, कहा कि बाबा को गुजरे कुछ ही दिन हुए हैं, तो काकी ने। ओह, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। इंदर, इंदर। हाँ। तुम कैसे हो इंदर? मैं एकदम ठीक हूँ, और तुम कैसी हो रानू? मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है, आज तुम बड़ा लोसान कर रही हो। नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ।
एक्चुअली तुम्हें इतना चुप चुप देखने की आदत नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे मैंने तुम्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा, आओ बैठो। I just can't believe it. काकी ऐसा कर सकती है? Strange. उन्होंने इससे पहले रहने दो इंदर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी पहले जैसा कुछ नहीं रहा, ना ये घर और ना ये घर के लोग, सब कुछ बदल गया है। I know. वो तो मैं देख ही रहा हूं, सब कुछ बदल गया, तुम भी बदल गए। पता है रानू, आज तुम्हें पहली बार ऐसे बातें करते हुए देख रहा हूं। ट्रस्ट मी, यू साउंडिंग सो मैच्योर टुडे। क्या हो गया है तुम्हें, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो आज तुम? शायद तुम ठीक कह रहे हो, बाबा और दी के जाने के बाद जिंदगी जैसे थम सी गई है। अब देखो ना, पिछले दिवाली इस घर में कितनी रौनक थी, धूम थी, वो शोर शराबा, मिठाइयां, वो पटाखे, तुम्हें याद है ना? दी को पटाखों से कितना डर लगता था। मैं तो पटाखों के नाम से ही डर जाती थी, मैं आगे आगे भागती और वो पीछे पीछे, सारे घर में भागते हम दोनों। पापा प्लीज, मुझे डर लगता है पापा। और पापा कहते धत तेरे की, मुझे तो लगता था मेरी बेटी बहुत बहादुर है, तू तो मेरी नाक डुबो देगी। और फिर वो मेरे हाथ में एक फूलझड़ी थमा देता, लेकिन वो जानते थे कि मैं सचमुच डरती हूँ, इसलिए मेरा हाथ थामे रहते। जब मैं हिम्मत करके फुलझड़ी को गोल गोल घुमाती तो वो बहुत खुश हो जाते थे और फिर कहते चल अब हम अनार जलाएंगे। और ये सुनते ही मैं वो फुलझड़ी वहीं पर फेंक कर सीधा अपने कमरे में भागती और पलंग के नीचे छुप जाती। और जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो किचन के काम का बहाना करने लगी और बाबा वही फुलझड़ी लेकर किचन में भी आ जाते थे। और बाबा तो जैसे दी के पीछे ही पड़ जाते थे, पटाखे जलाओ पटाखे जलाओ। और दी दौड़ती फिरती थी, मैंने जलाऊंगी बाबा, मैंने जलाऊंगी। कितना मजा आता था। बहुत प्यार करते हैं आपके बाबा आपको। काका, जिंदगी के अच्छे लम्हे यादों के झरोखों से झांकते रहते हैं। चाहे आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपके पास हो या ना हो। काका, हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमें छोड़ के क्यों चले जाते हैं? हम क्या बताएं बीबी जी, हम तो ठहरे अनपढ़, बस इतना जानते हैं कि दुनिया की यही रीत है, बेटियां शादी करके अपने ससुराल जाती हैं और माँ बाप को दिल पर पत्थर रखकर उन्हें विदा करना पड़ता है। काश मुझे भी मेरे आई बाबा विदा करते। आपको घर की बहुत याद आ रही है ना बीबी जी? आप उनसे मिलने चली जाइए बीबी जी, आपसे मिलकर आपके बाबा बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे जाना तो साहब को भी चाहिए, लेकिन क्या हुआ बीबी जी,
मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैं बाबा से मिलने नहीं जा सकती, उन्होंने तो मुझे दुल्हन बने हुए भी नहीं देखा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे घर वालों की दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। माफ कीजिएगा बीबी जी, हम आपका दिल दुखाना नहीं चाहते थे। मैं भी ना त्योहार के दिन रोकर अपशगुन कर रही हूँ, है ना काका? मेरे बाबा मुझसे कहा करते थे जब मैं हंसती हूँ तो उनकी सारी टेंशन दूर हो जाती है, इसलिए अब मैं हमेशा हंसती रहूंगी। जीती रहो बिटिया। माफ करना बेबी जी, गलती से मुंह से बिटिया निकल गया। काका, मैं आपसे एक बात पूछूं? जी। क्या मैं आपको बाबा कह सकती हूँ? ये एक शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे बिटिया। पता नहीं मेरी गुड़िया कहाँ है, वो भी तो इतनी ही बड़ी हो गई होगी। क्या हुआ काका, आपने जवाब नहीं दिया? कुछ नहीं बीबी जी, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे दरअसल इतने अपनेपन की आदत नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन आप मुझे इतना मान क्यों देंगी? तो क्या हुआ काका, आप बड़े हैं ना, और अभी अभी आपने मुझे बाबा की तरह आशीर्वाद दिया, आपको मेरा बाबा कहना अच्छा नहीं लगा? कैसी बातें करती हैं आप, हमें बाबा कहेंगी बीबी जी तो हमें तो अच्छा ही लगेगा ना। तो फिर आप भी मुझे बीबी जी मत कहिए, दिशा बिटिया कहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। जी बीबी जी। बाबा? गलती हो गई दिशा बिटिया। दिशा बिटिया। जी बाबा। एक बात कहे? बच्चों से कुछ कहने से पहले क्या पूछना पड़ता है? नहीं, वो डीके साहब दिल के बुरे नहीं है, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, फिर हो सकता है आपकी अच्छाई से वो भी अच्छे हो जाएं। क्या समझते हो अपने आप को? मेरे सामने कोई सर उठा के बात नहीं कर सकता, और उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे इतना कुछ कह दे? तो तुम्ही ने तो उसे अपने सर चढ़ा रखा है। ओ शट अप सानिया, अब चले पे नमक मत छिड़को। तो मैं गलत कहाँ हूँ? तुम्ही बताओ, तुम इस दिशा में देखते क्या हो? सारी इंटरनेशनल मॉडल्स इस एड कैंपेन के लिए मर रही हैं, और इंडियन मॉडल्स उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो बेचारी वेट करती है कि कब तुम उन्हें एक चांस दोगे, और तुम हो कि इस दिशा के पीछे भागते रहते हो। नाउ सफर। आई विल मेक हर सफर। ये शूट किसी भी हालत में मैंने पूरा करना है। बहुत परेशान कर दिया दिशा ने मुझे, उलझ गया हूं मैं। इधर शूटिंग खत्म और उधर दिशा तुम्हारी जिंदगी से गायब। नाउ चेयर अप, कल पार्टी भी है, तैयारियां करनी है, सारी इनविटेशंस जा चुके हैं। फॉरगेट अबाउट दिशा मैटर और पार्टी के बारे में सोचो। ये सब क्या है बाबा? दिवाली के तोहफे हैं बिटिया, हर साल दिवाली पर आते हैं। एक स्टोर रूम तो इन्हीं से भरा रखा है, डीके साहब ने तो एक आध से ज्यादा कभी देखे नहीं। अब तुम आ गई हो तो इनका भी कुछ भला हो जाएगा। कहाँ रखूं? आप इन्हें वहीं रख दीजिए। ठीक है बिटिया, मैंने आज खीर बनाई है, तुम्हें अच्छी लगती है ना? बाबा सच कहूं तो मीठा मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मीठे में चॉकलेट बहुत पसंद है। मैम,
कुछ मीठा हो जाए। मेरा मीठा हमेशा मेरे साथ रहता है। ये लो बिटिया, कुछ मीठा हो जाए। अरे नहीं यार, गेंदे के फूल नहीं, ये कोई शादी नहीं हो रही है, ये डीके सर की पार्टी है, और डीके सर की पार्टी बहुत क्लासी होती है, समझा? हाँ हाँ ठीक है, और पिछली बार की तरह इस बार मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, मैं इस पार्टी में कोई गड़बड़ नहीं चाहता। ओके ताज, कौन है यार, देखते नहीं मैं कितना बिजी हूँ। सर सर, आई एम वेरी सॉरी सर, वो पार्टी की तैयारी के बारे में बात कर रहा था। पार्टी का सारा इंतजाम हो गया? यस सर। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? कुछ नहीं होगा सर, मैं सबको संभाल लूंगा, ट्रस्ट मी। ओके हाँ सुन, हाँ शाम तक सब कुछ। मैं जानती हूँ दुष्यंत कुमार सहगल, तुम्हारी पार्टी लोगों को पूरे साल याद रहती है, लेकिन इस बार तुम्हारी पार्टी लोगों को जिंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि मैं इसे यादगार पार्टी बनाऊंगी।